आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 9 जुलाई 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएमबी और टीओएमबी वायरस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किन फसलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है? तो सही उत्तर है टमाटर का जो फसल है उसको बुरी तरह से प्रभावित हुआ है काफी। यह जो दो वायरस है, सीएमबी वायरस और टीओएमबी वायरस, इसके कारण कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो टमाटर का पैदावार होने वाला था उससे काफी नीचे दर्ज किया गया है, और इसका कारण है यही दोनों वायरस के कारण। अगर हम बात करते हैं सीएमबी का जो फुल फॉर्म है कुकुम्बर मोजेक वायरस, इसका जो फुल फॉर्म है ककड़ी यानी कुकुम्बर कुकुम्बर मोजेक वायरस, और टीओएमबी का जो फुल फॉर्म है टोमेटो मोजेक वायरस। यह दोनों जो वायरस है यह महाराष्ट्र और कर्नाटक जो राज्य है इसमें टमाटर का जो फसल है इसको काफी नुकसान पहुंचाया है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है और यह जो मेला है वह कहाँ लगता है? तो सही उत्तर है देवघर, जो कि झारखंड में स्थित है। यहाँ श्रावणी मेला काफी यह विश्व प्रसिद्ध मेला है, श्रावणी मेला। तो सही उत्तर हो जाएगा देवघर। अगला है, हाल ही में नंबूदरी का निधन हो गया है, वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो सही उत्तर है वह चित्रकार थे। वह क्या थे? चित्रकार थे, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम था नंबूदरी, और यह कुछ प्रमुख जो राइटर हैं इनके लिए यह चित्रकारी किए थे पुस्तक में। इनका निधन हाल ही में हो गया है। अगला है, जूहा चावल जो कि हाल ही में खबरों में था वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सही उत्तर है यह असम से है। जूहा चावल जो कि हाल ही में खबरों में था यह असम से यह बिलोंग करता है। अगला है, भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनको टेली मानस चैटबॉट को इन्होंने लॉन्च किया है। तो सही उत्तर है इनका है मनोज सिन्हा। अगला है, किस संगठन ने भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है विश्व बैंक जो है वह भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए लगभग 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान किया है। अगला है, यूटा पर्वत जो कि तरबूज बर्फ के लिए खबरों में रहा था वह किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है यूटा पर्वत, जो कि हाल ही में तरबूज बर्फ यानी वाटरमेलन आइस के लिए खबरों में रहा था। यह जो दिख रहा है इसी को कहते हैं वाटरमेलन आइस। सामान्यतः जो आइस होता है इसका रंग उजला होता है, लेकिन यहाँ एक शैवाल पनपता है इस बर्फीली और ठंड के समय में जिसको, और इस शैवाल के कारण ही इसका रंग जो है लाल की तरह लगभग दिखता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटरमेलन आइस। इसको क्या कहते हैं? वाटरमेलन आइस, वाटरमेलन आइस। यह जो आपको फोटो में दिख रहा है यह शैवाल के कारण इसका रंग जो है इस तरह का दिखता है। आमतौर जो आइस होता है इसका रंग उजला होता है, लेकिन यहाँ ठंडे के समय में एक शैवाल पनपता है जिसका रंग होता है जो आपको फोटो में यह दिख रहा है। अगला है, किसे एसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है श्रद्धा कपूर को ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह जो कंपनी है वह स्पोर्ट्स बियर यह बनाती है कंपनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं श्रद्धा कपूर। अगला है, भक्ति के रंग पुस्तक का नाम है यानी कलर्स ऑफ डिवोशन, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है इसका अनीता भरत शाह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, भक्ति के रंग यानी कलर ऑफ डिवोशन। तो सही उत्तर हो जाएगा अनीता भरत शाह। अगला है, माया मोदी आजाद
हिंदुत्व के समय में दलित राजनीति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है सुधा पाई और सज्जन कुमार, यह दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, माया मोदी आजाद। हिंदुत्व के समय में दलित राजनीति जो पुस्तक है वह लिखी गई है सुधा पाई और सज्जन कुमार के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लॉक ने सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज नामक एक संयुक्त सैन्य ड्रिल का आयोजन किया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आसियान जो देश है यह सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज का आयोजन किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आसियान देश। और इस वर्ष जो है सॉलिडरिटी अभ्यास का अध्यक्ष जो है वह इंडोनेशिया है। यह जो आसियान देश है इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस जो है इसमें सॉलिडरिटी अभ्यास आयोजन करता है यह सभी। और हर साल जो है अलग अलग देश जो है इसका अध्यक्ष रहता है। तो इस साल का जो अध्यक्ष देश है वह इंडोनेशिया है। और चीन के तनाव के कारण ही यह जो सैन्य अभ्यास है सॉलिडरिटी अभ्यास इसका आयोजन किया गया है। तो यह कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 9 जुलाई 2023 का। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।